न्यूज़ बिहार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि न्यूज़ बिहार ने आपको पहले ही बताया था, आज बिहार विधानमंडल दल में हंगामे के पूरे पूरे आसार हैं और इसी खबर की पुष्टि हुई है। अभी अभी ताज़ा खबर यह है कि राबड़ी देवी, जो विपक्ष की नेता है विधानमंडल दल की, उन्होंने सीधे सीधे नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा है कि चाहे नीतीश कुमार कितना भी शराबबंदी कानून में संशोधन कर ले, शराबबंदी कानून कभी भी जमीनी तौर पर सफल नहीं हो पाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार को सुखाड़ घोषित करने के लिए 31 जुलाई तक का समय ना ले सीएम, अभी भी समय है, अभी ही सुखाड़ घोषित कर दें। उन्होंने तीखा प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरे में लिया है और उनको कह दिया है कि 31 जुलाई तक का समय लेकर समय को बर्बाद ना करें, अभी ही बिहार की जनता को राहत दें और 31 जुलाई से पहले ही बिहार को सुखाड़ घोषित करें। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने न्यूज बिहार के संवाददाता वसीम खान जी को बुलाना चाहेंगे ताकि वो आए और इस मुद्दे पर अपनी भी राय दें। नमस्कार वसीम जी। नमस्कार न्यूज बिहार का दर्शक। वसीम जी, जैसा कि आज राबड़ी देवी ने आरोप लगा दिया है मुख्यमंत्री पर, सीधा सीधा कह दिया है कि शराबबंदी कभी सफल हो ही नहीं सकती, इस पर क्या कहना है आपका, क्योंकि संशोधन आज ही हुआ है। जी बिल्कुल, इसे राबड़ी देवी सीधा हमला कर रही है नीतीश कुमार पे। आप जैसा कि बता रहे हैं कि जितना भी संशोधन कर लिया जाए शराबबंदी पे, ये विफल ही रहेगा। मैं साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं, नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले एक सभा को संबोधित करते हुए ये बात भी कही थी कि शराबबंदी जो है ये पूरी तो सफल नहीं हो सकती, पर हमारा प्रयास यही रहेगा कि शराबबंदी बिहार में पूरी तरीके से सफलता के साथ, ठीक है, शराबबंदी हो, मतलब कुछ छुपे हुए लफ्जों में से ही। लेकिन नीतीश कुमार ने ये माना था कि पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा था कि जितना भी कड़ा कानून बना दिया जाए, मर्डर को एक एग्जांपल, एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने रखा था कि किसी का मर्डर कर देने पे भी कानून बहुत कड़ा है कि फांसी की सजा, यहाँ तक कि उम्र कैद भी हो जाती है, पर आज भी मर्डर होता है, और इस चीज को शराबबंदी से उन्होंने जोड़ दिया था। तो स्पष्ट रूप से आज सदन में राबड़ी देवी ने कह दिया कि चाहे कितना भी नीतीश कुमार प्रयास कर ले, शराबबंदी सफल नहीं हो सकती है। और उन्होंने सीधे सीधे आरोप भी लगाया है कि सरकार में बैठे हुए आदमी ही हैं जो शराब का कारोबार कर रहे हैं, क्या इस पर आप सहमत हैं? ये शराबबंदी पे हमने लोगों से राय भी जाना था, न्यूज़ बिहार के माध्यम से हमने लोगों को दिखाया भी जी, बिल्कुल, मैंने दिखाने का प्रयास भी किया है। लोगों से हमने जाना है कि शराबबंदी कितना सफल है। लोगों का कहना है कि जो सरकारी जो अधिकारी हैं वो मिले हुए शराबबंदी बोलने का शराबबंदी है, अब होम डिलीवरी घर तक पहुंचाया जा रहा है। यहां तक लोगों ने कह दिया कि पहले जो शराब 50 रुपया में मिलता था, नीतीश सरकार ने प्राइस बढ़ाने का कार्य किया है, बस शराबबंदी विफल ही है। देखिए, सीधा सीधा आरोप सरकार पर शुरू से ही लगते आ रहा है कि प्राइस मनी बढ़ा दी गई है, लेकिन अभी भी शराब होम डिलीवरी हो रही है और घर तक पहुंच रही है। इसके अलावा भी जब राबड़ी देवी ने सुखाड़ के मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेरा, तब भी नीतीश कुमार के पास कोई जवाब नहीं था। अब देखना यह है आने वाले दिनों में सरकार इसका क्या जवाब देती है या इस पर क्या विचार करती है। तो सरकार को मुंह दिखाने लायक नहीं है बिहार में, देश में कहीं।
लज्जा आना चाहिए बीजेपी का सरकार को, नीतीश कुमार को सरकार को लज्जा आना चाहिए कि अकलंक लग गया बिहार पर, टीका लग गया। क्या मांग करती है? जांच होना चाहिए, जांच तो हो ही रहा, दीपा पोती हो रहा। हम लोग प्रशासन के माध्यम से, हम लोग मीडिया के माध्यम से हम लोग सुन रहे हैं कि बड़े बड़े लोग हैं, सत्ता के लोग हैं, लाल है, लखन है, लाल है, सत्ता के गलियारों में लोग लड़कियों के लोग सप्लाई कर रहा है। कोई जेल में गया, आम आदमी का पकड़ गया, जेल में डाल दिया उसका नाम पर, वो आदमी तो छुटा घूम रहा कर रहा है। किससे जांच होनी चाहिए? सीबीआई, सीबीआई, सीबीआई। अच्छा, शराबबंदी कानून में संशोधन, संशोधन होते रहेगा, बाकी शराब जो बिक्री होते रहेगा, ना कोई बचा नहीं सकता। खुद सरकार आदमी करवा रहा है, प्रशासन करवा रहा है, इसमें किसको रोक लगाई है? इस पर कोई बंद नहीं होगा, कितना लागू करेगा, कानून बनाएगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा, नीतीश कुमार मैडम, सूखा की समस्या को लेकर के आज आप लोग सूखा है घोषित करना चाहिए 31 के बाद, कहे नीतीश कुमार अभी करे नहीं, सुखाड़ पर 31 के बाद करो। श्रीमती राबड़ी देवी जो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं बिहार की, उन्होंने सीधा सीधा निशाना साधा है सरकार पर कि सरकार की कोई भी नीतियां सफल नहीं हो पा रही है, चाहे वो शराबबंदी का हो या सुरक्षा का हो। अब देखने वाली बात यह होगी भविष्य में कि सरकार इस पर क्या फैसला देती है या क्या जवाब देती है। हम वसीम जी का भी शुक्रिया करना चाहेंगे कि उन्होंने हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को साफ साफ इस बात को बताया, विस्तार से बताया कि आखिर बात क्या होने वाली है। न्यूज बिहार के साथ आप बने रहें, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, हम पल पर हर एक खबरों की जानकारी आप तक लाते रहेंगे, सबसे पहले न्यूज बिहार अपने दर्शकों को बताएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।